आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में लाडली लक्ष्मी उत्सव के अंतर्गत जिले भर की CDPO क्षेत्र अंतर्गत चिन्हाकीन लाडली लक्ष्मी बालिकाओं का टॉक शो कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है। और इस टॉक शो में जिले में विभिन्न पदों पर पदस्थ महिला अधिकारियों से बालिकाओं ने कैरियर, आत्मसुरक्षा, आगे बढ़ने, संघर्ष पर जीत हासिल करने सहित कई प्रश्न पूछे हैं। महिला अधिकारीगणों ने बालिका के प्रश्नों को उत्तर देते हुए उनका हौसला बढ़ाया है। टॉक शो में दर्शक की भूमिका में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह थे। मंच पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सांस्कृतिक जैन, SDM अलियाजपुर लक्ष्मी गामड़ और SDOP श्रद्धा सोनकर, DPO महिला और बाल विकास शिवकली बरवड़े, DPM NRLM और सोनू सुशीला यादव, DPM NRHM प्रीति राठौर और अंजू सिसोदिया सहित अन्य महिला अधिकारीगण उपस्थित रहे हैं। बालिकाओं ने पूरे उत्साह और बगैर किसी भय और चिंता के साथ बेबाकी से कैरियर, आत्मरक्षा, आगे बढ़ने सहित कई प्रश्न पूछे हैं, जिनका उत्तर महिला अधिकारीगणों ने दिया है। और CAO जिला पंचायत जैन ने बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि पूरे मन से आगे बढ़ें। उन्होंने बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि कभी निराश ना हो, सदैव आगे बढ़ने की सोच रखते हुए प्रयास करते रहें। साथ ही कभी भी कोई काम छोटा नहीं होता, लगन से किसी भी काम को महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। इस अवसर पर अन्य महिला अधिकारीगणों ने बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। और कार्यक्रम को समापन अवसर पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने उक्त आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस कड़ी में मेहनत करें, बड़े सपने देखें, किसी भी स्थिति में पढ़ाई को अधूरा ना छोड़ें। विभिन्न विधाओं के द्वारा खुले हैं और मन में हूँ उस विधा में परंपरागत बने। कार्यक्रम को पुलिस अधीक्षक सिंह ने संबोधित करते हुए कहा है, सदैव आगे बढ़ने का लक्ष्य रखें, सपने खुली आंखों से देखें, बालिकाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। और इस अवसर पर जिले भर की लाडली लक्ष्मी बालिकाएं उपस्थित रही हैं। पुलिस की भर्ती के लिए एक सर्टेन हाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, पता है ना ये सभी को, एक फिक्स वेट होता है, उतना वेट हर बच्ची का रहता है जो आना चाहता है, ठीक है। कॉन्स्टेबल्स का जो भर्ती परीक्षा रहता है उसमें रिटर एग्जाम होता है।